जय जगन्नाथ। हेलो दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं चारों धामों में से एक धाम, पुरी श्री जगन्नाथ धाम। तो अगर आप भी पुरी यात्रा करने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत सारे यूजफुल टिप्स बताने वाला हूं, जिससे आपका ये पुरी यात्रा बहुत ही सुखद और आनंददायक हो। देश भर के सारे प्रमुख स्टेशनों से यहाँ के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन मिलेगी और इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट है भुवनेश्वर, जो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं श्री जगन्नाथ धाम पुरी में। ये है मेडिकल चौक, यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है श्री जगन्नाथ जी का मंदिर और यहाँ से पीछे है गुंडीचा टेम्पल। आपने रथ यात्रा के बारे में देखा या सुना होगा। इसी रास्ते से होते हुए भगवान जी के तीनों रथ गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर 3 किलोमीटर दूर है और बाहुड़ा यात्रा में गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक तीनों रथ बाहुड़ते हैं, जो उसे बाहुड़ा यात्रा बोलते हैं। इसी रास्ते से होते हुए होटल लेना चाहते हैं तो पूरी गोल्डन बीच को प्रेफर कीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे होटल्स हैं और यहाँ से श्री जगन्नाथ मंदिर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। होटल लेने से आपके दो फायदे हैं, यहाँ से जगन्नाथ मंदिर बड़े आसानी से जा सकते हैं और समुद्र का मजा बहुत बढ़िया से इंजॉय कर सकते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं पूरी गोल्डन बीच पे। हमने होटल सिलेक्ट किया होटल स्वर्णधाम, जो पूरी गोल्डन बीच से 200 मीटर की दूरी पर है। मैंने इस होटल का गूगल मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। होटल स्वर्णधाम बहुत ही अच्छा होटल है। हमें इसका टैरी पड़ा एक रूम का 800 रुपये। हम 5 लोग थे इसलिए हमने बार्गेनिंग किया थोड़ी, तो हमें 2 रूम मिले 1200 रुपये में, जो हमें 600 पड़ा। होटल में हमने चेक इन कर लिया है, तो चलो आपको फटाफट इस होटल का रूम टूर करवाते हैं। तो इस तरह का है हमारा ये होटल रूम। यहाँ पे एक 35 इंच का टीवी भी है और डबल बेड साइज का एक बड़ा सा बेड है, जो आराम से आप 2 या 3 लोग सो सकते हैं। एक बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल भी है। आप सामान वामान रखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक कबर्ड भी है, जो यहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का है इस रूम का बाथरूम। अभी हम यहाँ पे बैग रख के निकल रहे हैं गोल्डन बीच की ओर। अभी हम पहुँच चुके हैं पुरी के गोल्डन सी बीच में। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूँ, पुरी के 2 बहुत ही फेमस बीच साइट हैं, एक है गोल्डन बीच और दूसरा है ब्लू टैग सी बीच। पुरी गोल्डन बीच से ब्लू फ्लैग बीच की दूरी 4.2 किलोमीटर है। यहाँ पे आके आप बहुत सारे एक्टिविटी कर सकते हैं, ऊँट की सवारी कर सकते हैं। ऊँट की सवारी करने के लिए आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। पुरी सी बीच एक धार्मिक स्थल का साइड का सी बीच है। यहाँ पे गोवा या किसी अन्य शहर जैसा नज़ारा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। पुरी सी बीच वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट सी बीच है इंडिया का। हो चुका है दोपहर के 2 बज चुके हैं। बहुत सारे भीड़ आके जमा हो चुके हैं नहाने के लिए, सब आ रहे हैं। हम भी जा रहे हैं, नहाएंगे और एंजॉय करेंगे समुंदर को। स्विमिंग नहीं आते फिर भी आप नहाना चाहते हैं तो ज़्यादा अंदर नहीं जाके पास में ही नहा के आप इंजॉय कर सकते हैं। नज़दीक में लाइफगार्ड भी मौजूद है, जो आप अगर किसी तरह की दिक्कत में होंगे तो आपको बाहर निकाल देंगे, तो किसी तरह का कोई भी टेंशन नहीं है।
हम लोग 5 फ्रेंड के एक ग्रुप में थे, हमने खूब सारा एंजॉय किया, करीब 2-3 घंटे तक सी बीच में एंजॉय किया। अभी हम जा रहे हैं। पूरी सी बीच अपने स्वच्छता के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे कूड़ा कचरा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, बहुत ही क्लीन रखने के लिए हर रोज़ यहाँ पे आके साफ सफाई करते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने होटल रूम की तरफ, वहाँ पे हम अच्छी तरह से नहा के जाएंगे श्री जगन्नाथ मंदिर की ओर। होटल में नहा चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं श्री जगन्नाथ मंदिर की ओर। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, जो ऑटो में 10 या 20 रुपये लेके आपको श्री जगन्नाथ टेम्पल पे छोड़ देगी। पूरी सीरीज का ये फर्स्ट एपिसोड है, दूसरा एपिसोड ठीक 2 दिन के बाद इसी चैनल पे अपलोड होगा। ये दूसरे एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप है। एपिसोड में बताने वाला हूँ श्री जगन्नाथ मंदिर कैसे जाएँ, कैसे दर्शन करें, किस तरह से महाप्रसाद मिले, इसी सभी चीज़ों के बारे में मैं दूसरे एपिसोड में बताने वाला हूँ। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। जय जगन्नाथ।